Hello students, in this video we will learn about sentence. तो सेंटेंस क्या होते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आया कि को, जो है सेंटेंस क्या होते हैं और स्टूडेंट्स को आ, इसको कभी कभी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें कि सेंटेंस क्या है एक ग्रुप ऑफ वर्ड हमने रख दिया उठाकर कहीं से लिख दिए हमने बहुत सारे वर्ड्स तो क्या वो सेंटेंस बन गया नहीं सेंटेंस नहीं बना वो क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कोई कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करे कोई कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है या कंप्लीट साइंस बनाता है तो स्टूडेंट्स इस हम इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से लिख सकते हैं इन अ शॉर्ट वे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वी कैन यूज टू कम्युनिकेट आर आइडियाज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यूजली कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है इसमें ठीक है एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया एवरी सेंटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर क्लॉजेस एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट था यहां पर वन और मोर क्लॉजेस यूज हो सकते हैं इसके अंदर क्लॉजेस का मतलब होता है यहां उसके सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर दैट अगर हम इसको और शॉर्ट वे में इसको लर्न करना चाहते हैं इसके फीचर्स लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ, आप लिख सकते हो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस और सेंटेंस अ कंप्लीट थॉट लिख सकते हैं अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ये बहुत जरूरी है इसमें लिखना वी कैन कैटेगराइज सेंटेंसिस बेस्ड ऑन देयर परपज एंड देयर स्ट्रक्चर ओके तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं अब ये सेंटेंस की बात तो हमारे समझ में आ गई कि सेंटेंस भाई हमारे क्या होते हैं और कब एक कंप्लीट सेंस बनता है वही एक सेंटेंस होता है अब यहाँ कैटेगराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको फोर टाइप ऑफ सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव का दूसरा नाम क्वेश्चन question. क्वेश्चन भी कहते हैं हम इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें इंपेरेटिव में हमारे कमांड्स होती हैं एंड एक्सक्लेमेटिव में अगर हम कहेंगे तो एक्सक्लेमेशन होता है और एक्सक्मेशन मार्क भी होता है वी कैन ऑल्सो लर्न सम एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए कह जाए कि भाई फटाफट से आप क्या करो डिक्लेरेटिव के टू एग्जाम्पल जरा लिख के दिखाओ अगर आपको आते हैं तो आप क्या लिखेंगे आई हैव अ बास्केट बॉल गेम टू नाइट यू कैन राइट अगर मैंने आपसे कहा कि आई यू विल राइट ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंस राइट करो आप किसी भी तरीके का डिक्लेरेटिव सेंटेंस राइट कर सकते हो कोई भी स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हो मगर वो ऐसे सेंटेंस होने चाहिए जिसमें कोई बात आप डिक्लेयर कर रहे हो आई जस्ट फिनिश रीडिंग दैट बुक तो इस तरीके से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव अब क्वेश्चन होता है विल यू कम टू माय गेम आप आओगे क्या मेरे साथ खेलने के लिए मेरे गेम में तो क्वेश्चन है ये ये इंक्वायरी हो रही है ये क्वेश्चनिंग हो रही है कि आप आओगे कि नहीं आओगे बता दो मुझे हैव यू हैवोर रीड दिस बुक ये भी एक क्वेश्चन है तो ये इंटारोगेटिव में आता है स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेशन जो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वी वन द गेम दिस इज द बेस्ट बुक आई है रीड तो यहाँ पर हम खुशी दिखा रहे हैं हम इमोशंस दिखा रहे हैं कि वी वन द गेम हम जीत गए हैं गेम को तो आप जब गेम जीत जाते हो तो आप खुश होते हो चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाते हो कि भाई मैं तो गेम जीत गया बहुत जीत गया और आजकल तो स्टूडेंट्स आप बहुत सारे गेम्स खेल भी रहे होंगे घर पे लूडो तो ज़रूर खेल रहे होंगे आप मोबाइल फ़ोन में नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है अ कमांड रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस कुछ हम कह सकते हैं अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर रीड दिस अमेजिंग बुक अमेजिंग बुक को हम एक इमोशन दिखा रहे हैं यहाँ पर इसलिए यहाँ इम्पेरेटिव तो है मगर यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाएंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वी हैव डन दीज फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस हे नेक्स्ट इन अ शॉर्ट वे स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव क्वेश्चन इंटेरोगेटिव आस क्वेश्चन करता है क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है जैसे वेयर इज द कैट डिक्लेरेटिव हमेशा जो है एंड विथ पीरियड्स से खत्म होता है पॉइंट लगता है जिसमें एक्सप्लेमेशन जो है हमेशा एक्सप्लेमेशन मार्क्स से होता है इसमें इमोशंस होते हैं कमांड्स इम्पेरेटिव जो है हमेशा किस से ख़त्म होता है स्टूडेंट्स फुल स्टॉप से ख़त्म होता है या फिर इसमें एक्सप्लेमेशन मार्क भी लग सकता है तो इन दिस वे यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल थैंक यू सो मच